एक छोटे से गांव में रहने वाले एक आशिक का किस्सा था। उसका नाम अनुराग था और वह गांव का सबसे आशिकाना लड़का था। अनुराग का दिल किसी एक लड़की के लिए बहुत तेजी से धड़क रहा था, जिसका नाम श्रेया था। लेकिन अनुराग को पता था कि श्रेया उससे मोहब्बत नहीं करती थी। रात रात भर वह श्रेया के सपनों में खोया रहता था, पर श्रेया की आंखों में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। एक दिन अनुराग ने अपने दोस्तों से सुना कि गांव के पुराने मंदिर में एक जिन रहता है। उसे एक आशीर्वाद मिला था कि वह जिन को देख सकता है, लेकिन उसे केवल रात के समय में मिलेगा। अनुराग को यह अवसर मिला उसके प्यार को प्राप्त करने का, और वह उसी रात मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर में पहुंचते ही अनुराग को एक हलचल सा महसूस हुआ, जैसे कि कुछ अद्वितीय शक्तियां उसके चारों ओर बसी हों। धीरे धीरे वह जिन की प्रतिष्ठा में बढ़ता गया और एक बड़ी पत्थर की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। अनुराग ने जिन से वही सवाल पूछा जो उसके दिल में था, क्या श्रेया मुझसे प्यार करेगी? जिन ने एक चुपके से हंसते हुए उत्तर दिया, हां, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। अनुराग ने जिन की शर्त की ओर सीधा सर करते हुए कहा, कुछ भी, बस मुझे उससे मिला दो। जिन ने कहा, तुम्हें मेरी पूजा करनी पड़ेगी और मेरे लिए एक विशेष प्रार्थना करनी पड़ेगी हर रात मंदिर में। अनुराग ने जिन की शर्त स्वीकार की, क्योंकि उसका प्यार उसके लिए सब कुछ था। पहली रात को जब अनुराग मंदिर में पहुंचा, वह ने जिन की पूजा की और विशेष प्रार्थना की। धीरे धीरे वह इसे एक रोजगार बना लिया और हर रात उसकी पूजा करने लगा। लेकिन एक रात जब अनुराग मंदिर में था, उसने सुना कि कोई चीखता हुआ आवाज सुनाई दे रहा है। उसने धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ते हुए देखा कि श्रेया वहां बंधी हुई थी, एक बड़े और भूतिया कमरे में। अनुराग ने देखा कि जिन ने उससे कहा, तुम्हारी प्रेम की भूल से तुम्हारी श्रेया अब मेरी हो गई है। अनुराग ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी पूजा करता था, लेकिन तुमने मेरी भक्ति का फायदा उठाया। मुझे श्रेया चाहिए, नहीं तुम्हारी अशी पूजा की अनुमति। जिन ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तुमने अपनी लापरवाही से मेरी शर्त भूल जाई है, अब तुम्हारी श्रेया मेरी है। उसी समय अनुराग के आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया और वह खुद को एक पुराने हवेली के अंधेरे कमरे में पाया। वहां श्रेया की आत्मा को उसकी आत्मा के साथ एकजुट होते हुए उसने महसूस किया कि वह अब एक रूहानी बन चुका है, एक अदृश्य बंधु जिनके साथ। अनुराग ने श्रेया की आत्मा के साथ मिलकर वहां से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जिनकी शक्ति ने उसे बाधित किया। उसने समझा कि यह उसका परीक्षण है और उसने जिन से कहा, मैं तुम्हारी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे श्रेया को छोड़ दो। जिन ने हंसते हुए कहा, तुम अच्छे आशिक हो, लेकिन मैं तुम्हें श्रेया को वापस नहीं कर सकता। वह मेरी हो गई है, अब तुम उसके बिना जीना सीखो। अनुराग आत्मसमर्पण से जिन के सामने खड़ा हो गया और बोला, अगर यही तुम्हारी मांग है तो मैं श्रेया के लिए तुम्हारी पूजा करना छोड़ता हूं, बस मुझे उसे वापस दो कृपया। जिन ने धीरे से हंसते हुए अनुराग की ओर आकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे एक आशिक की महत्ता सिखाई है, लेकिन शर्तों की भूल से तुम्हारी सजगता की भी जरूरत है। जाओ, अपनी श्रेया को वापस पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करो। अनुराग ने जिन की आशीर्वाद को प्राप्त किया और मंदिर से बाहर निकलते ही उसने श्रेया की खोज में रुखा। वह हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करता गया, लेकिन उसका प्यार और संघर्ष ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन अनुराग ने श्रेया को एक पुराने कुएं में पाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे जब वह श्रेया के साथ फिर से मिला। इस बात से साबित हुआ कि प्यार और साहस से भरा हुआ दिल किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।